मेरे अजीज, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अजाब कब्र होगा ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रस्ते में शहीद हो गया, ये सुनने निसाई में मौजूद है, उसे अजाब कब्र नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में तो फरमाया हिसाब किताब भी नहीं होगा, अल्लाह बगैर सवाल जवाब के जन्नत अता फरमा दे। कुछ लोगों को ना लोगों की बख्शिश पे भी मसला ही बनता है कि कोई बख्शा ना जाए। भाई एक साहब कह रहे थे, जी ये क्या मामला है कि जुमे को बंदा मर गया या फलाना हो गया तो उससे हिसाब किताब नहीं होगा, इतने इतने बड़े जुर्म लोगों ने कि इतने इतने पाप और जुमे को मर गया तो बख्शा जाएगा। तो मैंने कहा जुर्मों का भी उसे हिसाब अल्लाह ले लेगा, लेकिन मियाँ हिसाब किताब की ड्यूटी ना अल्लाह की है, तो बेहतर यह है कि उसी के हाथ में रहे, तू तो ना अपने हाथ में लेने की कोशिश कर। सुने सुनने तिर्मिजी की हदीस, हमें पता नहीं क्या मुसीबत है, हमें पता नहीं क्या मसला है, एक जनाजे से मैं निकला, आप यकीन करें कभी कभी कलेजा फट जाता है। मैं एक जनाजे से निकला तो मेरे साथ एक बंदा जनाजा पढ़ के निकला तो कहने लगा, जी पीर साहब देखें आज कितनी दुनिया आई है, हालांकि ये बंदा इस तरह का था, इस तरह का था, इस तरह का था। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुझे तो फिक्र ही लगती है कि जन्नत में चला ही ना जाए, तू इस तरह करना जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना डंडा लेके कि मैंने नहीं जाने देना, शर्म आनी चाहिए हमें। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत इतनी चौड़ी है जितने जमीनों आसमान है, उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, तो हम तो अपने अलावा किसी को जाने नहीं देना चाहते जन्नत में। वो बस करें, जन्नत खुदा का फजल है और अल्लाह फरमाते हैं मेरा फजल मैं जिसे चाहता हूँ अता करता हूँ। ये सुनने तिर्मिजी की हदीस और इसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात को फौत हो उसको अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से महफूज रखता है। जो जुमे की रात फौत हो जाए या जुमे वाले, यानी जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात चला जाए या जुमे वाले, तो अल्लाह उसे अजाब कब्र से। तो मेरे अजीज, जो बंदा शहीद हो उससे अजाब कब्र नहीं होता, जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की रात चला जाए उसे भी अजाब कब्र नहीं होता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक दिन और एक रात, ये हदीस सही मुस्लिम में, सुनन तिर्मिजी में, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मौजूद है, एक दिन और एक रात अल्लाह की रजा के लिए इस्लामी सरहद पे पहरा दे। मैं और आप सोए हुए हैं, लेकिन वो लोग जो फौजी बार्डरों पे खड़े हैं, देखो मदीने वाले महबूब किस किस पे करम फरमाते हैं, सारी उम्र नहीं, 24-25 साल की सर्विस नहीं, फरमाया एक दिन और एक रात अल्लाह की रजा के लिए जो इस्लामी सरहद पर पहरा दे, मुसलमानों को काफिरों से बचाए, रब उसे अजाब कब्र नहीं देगा, उसे अल्लाह ताला अपने फजल से माफ फरमा दे। एक रात और एक, आप क्या समझते हैं कि इन फौजियों की कोई छोटी शान है, इनका कोई छोटा मर्तबा है? एक दिन और एक रात अगर ये पहरा दें तो अल्लाह इन्हें इतना इनाम अता करता है। इसी तरह सुन लो, ये जरा गौर से सुनना, इब्ने माजा की हदीस और इसके अलावा मुसनद अबू याला में मौजूद हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बीमारी से फौत हुआ, कुर्बान जाऊँ मेरे महबूब ने बीमारी का नाम ही नहीं लिया, फरमाया कोई भी बीमारी हो, फरमाया जो आदमी बीमारी से फौत हुआ अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा और वो अजाब कब्र से और कब्र के इम्तिहान से भी महफूज रहेगा। और हुजूर फरमाते हैं उसको सुबह और शाम जन्नत के बागों में से रिस्क दिया जाएगा। जो किसी भी बीमारी से मरा, ये लोग बीमारी से मर रहे हैं तो लोगों ने उछूत समझ रहे हैं, उछूत, ये उछूत नहीं है, इसलिए कि लवारस नहीं, ये खुदा रसूल के मानने वाले हैं, तुम इन्हें उछूत कह रहे हो और मदीने वाले रसूल इन्हें शहीद फरमा रहे हैं। जोर ने फरमाया जो बीमारी से मरे शहीद है, वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा और जन्नत के बागों में से अल्लाह रिस्क देगा। लोग कहते हैं देखो जी बड़ा तंग होकर दुनिया से गया है, तो उस बंदे को भी अजाब कब्र नहीं होता। इसी तरह जो बंदा सूरह मुल्क पढ़ता है, सुनने तिर्मिजी में हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक जगह खैमा लगाया तो वहाँ सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आती, कोई बंदा पढ़ने वाला नजर नहीं आता था। जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया तो फरमाया वहाँ कब्र थी और कब्र के अंदर बैठ के मेरा सहाबी सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा। अगर हमें खसरा नंबर याद हो जाता है ना अपनी जगह का, और हमें पता होता है कि मेरे वाला हिस्सा कितने करोड़ का है, अगर सारी कहानियाँ हमें याद होती हैं तो सूरह मुल्क भी हमें याद हो सकती है। मोबाइल पे उसको रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको सुने,
कभी भी सूरह मुल्क में, और हमारे इस सिलसिला आलिया में तो सूरह मुल्क वजीफा है। हमारे अल वजीफतुल करीमा में आला हजरत ने लिखा है कि रात को सूरह मुल्क और सूरह यासीन के बगैर सोना नहीं। सूरह मुल्क इतनी शानदार सूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेगी और कहेगी ऐ अल्लाह या तो मेरे पढ़ने वाले को जन्नत अता फरमा या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। तो रब करीम फिर अपने फजल से पढ़ने वाले को जन्नत अता करेगी।